अक्सर ऐसा नहीं होता है, वहाँ जाकर चीज़ें खराब भी हो जाती है, रिश्ते टूट ही जाते हैं, चीज़ें सपने पूरे बिल्कुल भी नहीं होते आपके, तो ये भी एक जो है आप इस फिल्म के थ्रू बताना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे। हर बंदा ना बाहर चले सोचता है NRI बन जाए, बाहर चले वहाँ सब कुछ है, पैसा है, दौलत शोहरत है, पर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके पता लगता है कि हाँ वो सोने का पिंजरा है, सब कुछ मिल जाएगा, पर आपको मेहनत 10 गुना करनी पड़ेगी। खुशी नहीं, बस सोने के पिंजरे में जैसे तो पंछी कैद होता है ना, वैसी लाइफ हो जाती है, सब कुछ मिलता है, गाड़ी बंगला, पर बस पुरानी किस्त खत्म हो रही, नगली खड़ी है, बस रोलिंग चलते जाओ, कमाते जाओ, रोबोट की तरह काम कर रहे हैं। करेक्ट। अर्जुन, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर रोल, कुछ नरेट कर सकते हो अपने रोल? आई थिंक मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, जहाँ तक जितना मैं बता सकता हूँ कि आई प्ले अ मामास बॉय की यू नो ऑलवेज कि मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं है फिल्म में। आई लिसन टू माय मदर अ लॉट, माँ बोलती है उड़ जाओ तो मैं उड़ जाता हूँ, माँ बोलती है बैठ जाओ तो बैठ जाऊँ, फिर माँ बोलती है भाई शादी कर लो, और अपने इसके अगेंस्ट में जाकर शादी कर लेता हूँ, मैं इनको जानता नहीं हूँ। और उसके बाद ऑब्वियसली बनाए यू नो आई एम इन कैनेडा एंड आई रियलाइज की भाई कि बिकॉज मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं थी, आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और जो वो उसका पूरा एक जो एक स्ट्रगल है दैट यू सी विद इन द फिल्म, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, जब मैंने यू नो फिल्म सुना तो मुझे लगा कि बहुत से लोग रिलेट करेंगे। मेरे बहुत से फ्रेंड्स इसी आशा में, इसी होप में छोड़कर देश को गए थे कि भाई वहाँ पे ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, ज़्यादा सपने पूरे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके साथ। एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन फैक्ट केम बैक टू द कंट्री एंड आई सेड यार, मैंने इतने किस्से सुने तो मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ ऐसे कैरेक्टर से, इसलिए मुझे लगा यार ये फिल्म जो है करनी चाहिए। And Kanchi, what do you want to say about your role? And correct me if I am wrong, this is your first movie, I guess, after ye Rishta Vadhani. No, actually, it's not my first film. Chala. It's my second film and I'm very excited about it. Chula character hai, woh ladki hai, she's very modern. She gets married to a guy who is a chappu, you can say. And कैसा उनका स्ट्रगल रहता है, कैसे उनका रिलेशनशिप दो ऑपोजिट लोग कैसे प्यार में पड़ते हैं, कैसे अपने रिश्ते ठीक करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि कैसे उनका रिश्ता ठीक हो, कैसे चलाए उसे, ये उसकी कहानी है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर, क्योंकि जैसे मैं रियल में हूँ वैसे ही इंटरेस्टिंग, सो आई कैन रिलेट हाउ मच। और आपके फादर इसमें काफी एक्सपर्ट है, तो आपने क्या इंस्पिरेशन लिया अपने फादर से एज़ एन एक्टर, सेंस ऑफ ह्यूमर रिलेटेड? आई थिंक जस्ट बी योरसेल्फ, और आई थिंक सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करें अपने लाइफ में, चाहे वो एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, अपने दिल से जो है उस चीज़ को निभाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स समथिंग दैट आई हैव लर्न, उसके ऊपर ऑनेस्टली कोई चीज़ नहीं है। व्हेन यू ट्राई, आई हैव रियलाइज वन थिंग कि जब आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत व्हेन यू ट्राई टू हार्ड, वो चीज़ें जो है कभी नहीं होती हैं। और जब आप यू नो यू टेक इट ईजी और आप सिंसियरली करते हैं कि भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करें एज एन एक्टर, मुझे जो रोल मिलता है उसको मैं सिंसियरली निभाने की कोशिश करता हूँ उस दायरे के अंदर। और बाकी एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट्स दी ऑडियंस, लाइक आश्रम में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया टिंका सिंह को लेकर, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा, बट मैंने सिंसियरली उस सीन सारे सीन्स को निभाए, उस शो में काम किया और उसका फल मुझे मिला। सो आई थिंक दैट्स समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर। डू यू बिलीव नाउ द थिंग्स आर गेटिंग लाइक गुड फॉर यू, आश्रम भी आ गई, नाउ न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है आपका, आश्रम में हमने आपका देखा काफी अच्छा किरदार आपने निभाया था एज एन बैंड रॉकस्टार, यस रोल वाज वेरी गुड। अब आने वाले समय में किस तरह से देखते हो, इज द न्यू वर्जन फॉर योरसेल्फ? यार न्यू वर्जन तो नहीं है, बट आई एम सेइंग आई प्रोबेबली से अ बेटर वर्जन ऑफ मी, बिकॉज ये जो मेरी स्ट्रगल्स रही हैं, जर्नी रही है, जो मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ, जो फेजेस रहे हैं, दैट आई बीन थ्रू माय डार्क फेजेस, आई बीन थ्रू माय डिप्रेशन, यू नो जब काम नहीं मिल रहा था, इट हैज़ टॉट मी अ लॉट। उस वक्त लगता है कि ऐसा भगवान मेरे साथ क्यों कर रहे हैं भाई, वो आगे जा रहा है, उसकी उसका करियर आगे बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है। बंदे भी रियलाइज़ कि हर एक इंसान की जो है एक ग्रोथ होती है, एक फेज़ होता है जिसमें उसको कुछ चीज़ें सीखनी होती है लाइफ में, दैट यू कैन ओनली रियलाइज वंस यू पास दैट स्टेज, यू नो। सो आई थिंक दैट स्टेज, दैट टाइम इन माई लाइफ मेड मी अ बेटर एक्टर फॉर श्योर। और जहाँ तक मेरे वक्त का सवाल है, आई थिंक वक्त कभी आता नहीं, वक्त को लाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में, और एज आई सेड सिंसियरली काम करना पड़ता है। तो यस, आई मीन आफ्टर आश्रम अभी मेरी 11वीं फिल्म है ये, और मैं ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें करता नहीं हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि माई वर्क शुड स्पीक। तो कुछ
अच्छे बड़े शोज भी हैं जो मैं कर रहा हूँ, अच्छी बड़ी फिल्में भी हैं, कुछ अच्छे नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, नए लोगों को सपोर्ट करना जो है मैं चाहता हूँ, कि जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे भी कोई सपोर्ट करे, मैं भी कुछ लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम हियर, बिकॉज सोनू भाई एंड सर आई थिंक दे आर ग्रेट पीपल, यू नो, ऑफ कोर्स काची एंड ऑल दिस पीपल आई थिंक दे आर वंडरफुल पीपल, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे. आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल दिया. सर, हर किरदार से किसी ना किसी को कुछ नया सीखने को मिलता है, तो इस फिल्म से आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला? सर, जब फिल्म मैं शूट करने जाऊंगा कैनेडा अभी सितंबर में, जब चीज़ें होंगी, जब मैं इस कैरेक्टर में घुसूंगा, तो वो कैरेक्टर मुझे क्या कुछ एक मैसेज देगा या सीख देगा एज ए ह्यूमन बींग, आई थिंक वो ओनली आफ्टर आई फिनिश शूटिंग द फिल्म आई विल गेट टू नो. पर एक बात डेफिनेटली मुझे पता है कि भाई मेरा भारत महान, इतना मुझे पता है, जो भी है इसी देश में करना है सर हम लोग को. मेरा अगला सवाल डायरेक्टर सर से होगा. सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा, न्यू पैर आए हैं कांची एंड इज अ फ्रेश पैर दैट वी आर गोइंग टू सी, कास्टिंग किस तरह से हुई और आप दोनों ने इन दोनों को क्यों सिलेक्ट किया एज अ कास्टिंग? जब स्टोरी हमारी फाइनल हुई तो हमने देखा कि मम्मा बॉय होते हैं ना, जी मम्मा बोलती बेटा ये कर लो, जी मम्मा बेटा ये कर लो, जी मम्मा, वो मम्मी की कोई बात टालते नहीं है. तो ऐसा जोनी गुड़ सा करेक्टर चाहिए था, जब हम मध्यम से मिले ऐसा तो, नहीं, नहीं है, एक चंपो बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं क्या है ऐसा, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मम्मी की बात सुनता हूँ लेकिन खुद भी करने. तो जैसे अभी हुआ तो वो करेक्टर ऐसा ही था, तो जब इनके साथ हमने नरेशन पे बैठे तो हमें लगा कि जो हमारी कहानी की डिमांड है ना वो इस करेक्टर पे परफेक्ट है. सेकेंड, जब हम कांची से मिले इनके साथ डिस्कस हुआ स्टोरी पे, तो उनका अपना एक वो है जॉनर है ना, तो वो मम्मा गर्ल नहीं है, तो बोलती नहीं जो आज की लड़की होती है मॉडर्न है, मैं करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी, आई डोंट लाइक, मैं मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, मैं यही करूँगी. दो अलग जॉनर है, वो एक पॉइंट पर आके एक प्लेटफॉर्म पर आके इकट्ठे हो जाते हैं. अब एक बोलता लस्सी पीनी, एक बोलती मैं तो चाय, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक. अब दो जनरेशन कैसे धीरे 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 एक होते हैं, फिर उनको लगता है छोड़ो हैंकी मैंकी करते हैं, ये तो ऐसे ही है, वो बोलते हैं ये तो ऐसे ही है. तो वो मैसेज ये है कि लाइफ में आप जिसको चाहते हैं हर बार आपको वो नहीं मिलता, कई बार ऐसा मिल जाता है, उसको अपने लाइफ बनाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है. जी करेक्ट करेक्ट. आगे काफ़ी सारे टीवी एक्टर्स को फिल्म में काम मिलता है, कितनी अच्छी बात है कि एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं फिल्म करूँ. आई थिंक हर एक्टर का सपना होता है कि एक दिन वो खुद को बड़ी स्क्रीन पर लेकर बी तो टी स्टार और थिएटर स्टार और खुश हुए. एंड आई गेस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये काफ़ी इट्स ए यंग लव स्टोरी, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की जाएगी है एंड मज़ा आएगा करने में, बिकॉज दो लोग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है और कैसे वो प्यार होता है, आई गेस ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा. And every time what you do, it's something you learn from. So I'm going to learn a lot from, I think, Adhyan, sir, and everybody. So I'm really excited for that and I'm really looking forward. अच्छा, आपका शो भी एल्सा के तरह इतना ज़्यादा पॉपुलर था, इतना हिट हुआ, क्या समझते हैं क्या रीज़न रहा था इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के शो को, क्योंकि हर कोई इतना मुझे नहीं था कि शो का हिस्सा बने तो इतना पॉपुलर. आई गेस उस सीजन को 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, आई एम ब्लेस्ड कि आई वाज अ पार्ट ऑफ सच अ शो. घर घर में वो शो देखा जाता है और मैं उसकी एक मेम्बर रही, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा टू बी ए पार्ट ऑफ इट. मैं दुआ करती हूँ कि वो और आगे बढ़ते जाए, ऐसे ही अच्छा काम करते जाए और सब उसे देखते. अध्ययन जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने जिस तरह से मुझे कहा कि आपने लाइक दिस इज योर 11th मूवी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 11th मूवी ऑफ दिस ईयर. ओके, दिस ईयर वैसे तो मैं हाँ, जितने भी आपने मूवी की है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कम मूवीज मिली है. बिल्कुल, जहाँ के राज की मैं बात करूँ, हार्टलेस की मैं बात करूँ, जिस तरह किरदार आपने निभाया था, तो क्या आपको लगता है कि आपको और मूवीज मिलना चाहिए? यार, मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ कि मुझे और फिल्में मिले, अच्छी फिल्में मिले. देखिए, मुझे लगता है फिल्में छोटी और बड़ी नहीं होती, किरदार अच्छे होने चाहिए, वो आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आज के दौर में आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ द बिग फिल्म्स आर नॉट वर्किंग टुडे. और बहुत सी फिल्में जो हैं जो नए लोगों के साथ बनाई जा रही हैं, वो सारी फिल्में जो है वो चल रही हैं OTT पे, इतने नए एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सबको मौके दिए जा रहे हैं, विच आई थिंक इज़ अ वंडरफुल थिंग. आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी राज 2 से, my box office was 70 crores and to be obviously, you know, the hero of a film that has done 70 crores with blockbuster songs like, you know, Sonio and, you know, Raaz 2, tab shuruaat bahut acche se hui thi.
जशन मैंने की महेश भट्ट साहब के साथ, क्रिटिकली एक्लेम की, तब काम नहीं मिला और फिल्में बंद हो गई, 12 फिल्में बंद हो गई, रिसेशन आ गया था, तो रीजंस बहुत सारे, लेकिन उस रीजन में जाकर उसमें उतना कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जब वक्त जो है, जब वक्त नहीं था तो वक्त नहीं था, उस पर लड़के कोई मतलब नहीं है। और एज आई सेड कि जो मुझे लर्निंग्स करनी थी वो मैं आगे बढ़ता गया लाइफ में, जिंदगी को यू नो देखता गया, सीखता गया लाइफ में। और अब मैं होप करता हूँ सर, जैसे आपने कहा कि मुझे और फिल्में मिलनी चाहिए और काम मिलना चाहिए, अच्छा काम मिलना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम मिलना चाहिए, तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे ऐसे ही लोग काम देते रहें और मैं आगे सिंसियरली काम करता रहूँ, बस और मैं कुछ नहीं चाहता। लॉकडाउन की मैं बात करूँ तो लाइक यू एंड योर फादर रियली सपोर्टेड सुशांत सिंह राजपूत ड्यूरिंग दैट टाइम। आपने एक गाना भी गाया था उसके ऊपर 2.0 वर्जन, काफी 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 हिट हुआ था। एंड आज फिर से रिया चक्रवर्ती को चार्जशीट हुई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत को कभी भी जस्टिस मिल पाएगा? यार देखो यू नो जब इसकी बात थोड़ी सी फिल्म से हटते हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा इसके बारे में मैं, लेकिन जब ये बात निकली थी, जब डैड ने फॉरम शुरू किया था, तो आई थिंक माय फादर वाज वन ऑफ द मे बी गिन चुन के दो लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, एक फोरम खोला था। उनके फादर से कोविड के दौरान मिलने गए थे और आई रिमेंबर एज आई सेड इन द इंटरव्यू आल्सो, आई फॉट विद माय फादर, आई सेड इट्स द पीक ऑफ कोविड, यू कैन नॉट फ्लाई डाउन टू पटना राइट नाउ एंड मीट समबडी, ही सेड इट्स नॉट अबाउट मीटिंग समबडी। उस बाप को एक ज़रूरत है एक सपोर्ट की, और मुझे वहाँ पर भले ही मैं बात ना कर पाऊँ लेकिन वहाँ पर बैठना खाली बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है, जहाँ कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का कोई भी नहीं गया। एंड आई थिंक माई फादर टुक दैट वेरी ब्रेव स्टेप एंड आई थिंक दैट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। लेकिन जहाँ तक उनके जस्टिस का सवाल है सर, आई डोंट नो, और मैं यही आशा करता हूँ लाइक मिलियंस ऑफ सुशांत सिंह फैंस, आई गो ऑन ट्विटर इज ट्रेंडिंग, आई गो ऑन इंस्टाग्राम इज ट्रेंडिंग कि भाई वी नीड जस्टिस फॉर सुशांत। मैं आशा करता हूँ कि उन्हें जो है जल्दी जस्टिस मिले। और सच्चाई क्या है कि देखिए जस्टिस तो मैं चाहूँगा मिले, लेकिन सच्चाई एक्चुअली है क्या ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। सो आई रियली रियली होप कि हमें इसके बारे में भी पता चले। आप रहेगी ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सर इस सपोर्ट की मैं बात करूं, मैं और जो ये सोल पाजी हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड हैं, तो जब ये हमने स्टार्ट किया हमारा ये एक था कि एटलीस्ट एक अच्छी फिल्म हमें कि आपको इंडिया जाके हम एक अच्छी फिल्म बना के लेके आते हैं और फिर दिखाते हैं कि एटलीस्ट हम लोग भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे इन्होंने अभी बोला था कि यहाँ पर अच्छे अच्छे नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोगों को अच्छे से यहाँ पर काम मिल रहा है, बट उनको कहीं ना कहीं अभी ये नहीं हो रहा कि यार उनको अच्छा काम मिल रहा है। तो हमेशा मेरा ये है कि मैं अच्छा करके देखा और मैं हमेशा इसी पर बिलीव करता हूँ, अच्छे काम मैं अच्छा करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा 100% मिलेगा। आई थिंक आश्रम ने मुझे एक मेरी सांसें वापस उठाई है, एक नई जिंदगी मुझे वापस दी है। जो फोन आने बंद हो गए थे लोगों के, वो फिर से फोन आने शुरू हो गए हैं। कुछ बड़े उसमें कुछ बहुत बड़े डायरेक्टर्स भी हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, कुछ बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज भी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब वो काम आएगा तो लोग देख लेंगे। बट मैं ऑनेस्टली ये बात हमेशा कहता हूँ कि ऑडियंसेस से बढ़कर कोई नहीं है, वो आपको बना सकते हैं, वो आपको हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, जो भी है, बट आई एम जस्ट इटर्नली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया स्क्रीन पर आने का, और आई भी इटर्नली ग्रेटफुल, और मैं मेहनत करता रहूँगा अपनी लाइफ में और सिंसियरली काम करता रहूँगा। आई जस्ट होप दैट काम मिलते रहे और मैं पढ़ता रहूँ। सर आपसे पूछूंगा कि कैनेडा में शूट होने वाला है तो आप सर के साथ जुड़ के सर इस फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और एंट्री कर रहे हैं तो इन्होंने बोला कि सोनू जी मुझे आपने बोला जो आप करोगे बहुत अच्छा करोगे फिल्म, और ऐसा नहीं कि फॉरेन लोकेशन पे शूटिंग करना था, कहानी की डिमांड ऐसी है कि हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। अब हम नॉर्थ इंडिया में जाए, बच्चा 10-12 साल का होता है तो मम्मी पापा बोलते हैं इससे पहले कि बिगड़े कनाडा में, वो वहाँ चल रहा है नॉर्थ इंडिया में सारा, कि बस बच्चा जवान हुआ या यूके या कनाडा, तो वो दिखाना चाहते हैं कि वहाँ भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर पैसा कमाना है नाम कमाना है तो मेहनत, अगर यहाँ 10% है तो वहाँ 200% वो करनी पड़ता है। Thank you so much and apologies once again I was late, he is the reason. I'm joking.